चंद रोज कल सोशल मीडिया पर दो बच्चों की एक वीडियो वायरल हुई। बच्चे यूनिफॉर्म पहने, स्कूल का बैग पहने बैठे थे। एक साहब वीडियो बनाते हुए उनके पास आते हैं और पूछते हैं, बेटा आप स्कूल क्यों नहीं गए? जिस पर बच्चे जवाब देते हैं कि हमारे पास फीस जमा कराने के पैसे नहीं है, हमारे वालिद को एक इदारे की जानिब से निकाल दिया गया है, लिहाजा हमने स्कूल में फीस जमा नहीं कराई और स्कूल ने हमें दाखिल होने से मना कर दिया। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि अगर हम घर जाएंगे तो हमारे वालिद की परेशानी मजीद बढ़ेगी। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हर जगह फैल गई, क्या ट्विटर, क्या इंस्टाग्राम, क्या फेसबुक, हर किसी ने इस वीडियो को शेयर करना शुरू किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बड़े मीडिया चैनल्स ने, न्यूज चैनल्स ने इसको ब्रेकिंग न्यूज बना के चलाया। दो रोज बाद बच्चे की वजाहती वीडियो सामने आई, जिसमें उसने ये बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके वालिद जॉब भी करते हैं, वो स्कूल भी जाते हैं और ये वीडियो फकत टिकटॉक के लिए बनाई गई थी। अब इसके बाद दो बातें सामने आईं। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और नहीं होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान में जो है और सूबे सिंध में ऐसा कुछ भी नहीं है, सूरत हाल बहुत बेहतर है, स्कूल तमाम बच्चे स्कूल जाते हैं, फीसें जो है वो उनके वालदैन देते हैं, बिल्कुल देते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी चेक करें तो कोविड के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, फीसें बहुत ज्यादा हो गई। बहुत से वालदैन ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया। इसकी क्या वजह थी? यही वजह थी कि फीसें बहुत ज्यादा थी, वालदैन नहीं दे पा रहे थे। लिहाजा इन दो वाकयात को बिल्कुल ना मिलाएं। जो वीडियो बनाई गई, जो टिकटॉक के लिए वीडियो बनी, वो बिल्कुल गलत थी। लेकिन ये कहना कि हमारे मुल्क में स्कूल की फीसें बहुत कम है और हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोग बहुत परेशान है और इस चीज पर जरूर गौर कीजिए। शुक्रिया।